डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सरकार बनाने में पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन इसके बाद सुनवाई नहीं। महापौर हरिकांत अहलूवालिया आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि इस पर पैदल चलना भी दुभर हो गया है। वाहन कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। यह सड़क शहर को रेलवे स्टेशन से जोड़ती है, लेकिन इस पर अनगिनत गहरे गड्ढे हैं। लोगों को आशंका है कि अफसरों व जनप्रतिनिधियों द्वारा योगी व मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और तभी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बरसात में 1 घंटे का पानी 6 घंटे में निकलता है। उस वक्त यहाँ नाव चलाने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने इसे मौत की सड़क का भी नाम दिया है। क्षेत्रीय नागरिकों ने इस समस्या को लेकर बैनर भी आज टांग दिए हैं। यह दर्द है रेलवे रोड के वाशिंदों का। आज क्षेत्रीय लोगों की मांग पर firstbite.tv टीम ने रेलवे रोड का जायजा लिया और पीड़ित नागरिकों से उनका दर्द भी जाना। देखिए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के रेलवे रोड पर, जहाँ की सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। यहाँ के लोग इस टूटी हुई सड़क से जरूरत से ज्यादा परेशान हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि इस टूटी हुई सड़क के बारे में यहाँ के लोगों को क्या परेशानी है उनसे, और यहाँ के लोगों ने इस सड़क के ऊपर एक बोर्ड भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बेकार। तो आज हम उनसे ये जानेंगे कि उनको यहाँ के गड्ढों से क्या हानि है, कैसे बरसात में कैसे बारिश में वो यहाँ के गड्ढों से गुजरते हैं, कैसी उनको परेशानियां होती हैं यहाँ पर रहकर, कैसे आने जाने वाले लोगों को यहाँ से निकलने में परेशानी होती है। आज हम उनसे इसी बारे में वार्तालाप करेंगे। आइए। रिक्शा 4-5 पलट चुके हैं, जो स्टेशन के पास ही गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, और ऑटो भी कितने सारे पलट चुके हैं, बैरिंग भी हर महीने 4 बार बदलवाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ से रोज निकलते हो? डेली हम यही चलाते हैं, स्टेशन की पर्ची कटी हुई है हमारी। अच्छा, तो आपको परेशानी होती है बारिश में? बहुत परेशानी, बारिश में आते ही नहीं इधर से। अच्छा, बारिश में इधर से नहीं आते, कुछ नहीं दिखता सड़क, कुछ नहीं, गड्ढे गड्ढे होते हैं। ये सड़क का इतना बुरा हाल है यहाँ पर, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बहुत दुर्गति हो रही है जी इस वार्ड के लोगों की। बार बार विधायक जी, बार बार मेयर साहब, सांसद महोदय और यहाँ के क्षेत्रीय सभासद जी हैं रोहित जी, उनको भी इस बारे में बार बार अवगत कराया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, परंतु कहीं से कहीं तक आज तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हो रही है। केवल एक फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ मेयर साहब आते हैं, एक गड्ढा भरवाते हैं और फोटो अखबार में छुपा करके चले जाते हैं। अब तक ये कार्रवाई हो रही है। और आपको इससे क्या परेशानी हुई है, ये जो सड़क टूट रही है इससे अभी तक आपको क्या परेशानी हुई? कुछ रोज आए दिन 2-4-5 लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इस बारे में भी बार बार सभी को अवगत कराया गया है, परंतु कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहा। जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। यहाँ की जनता को त्रस्त होने के बावजूद, सभी तरह से सरकार को सपोर्ट करने के बाद भी यहाँ की जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, और पब्लिक परेशान है, और रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है, बच्चे, लेडीज और कोई भी हो, इवन पुलिसकर्मी भी यहाँ पे गड्ढों में गिरते हुए देखे गए हैं। अच्छा, और जब बरसात होती है तो इस स्वच्छ भारत के नालों का गंदा पानी सड़क पे बाहर आता है, और उसमें सारे यहाँ पे जो भी वाहन निकलता है, सभी पब्लिक शहर से, जो भी यहाँ का मुख्य मार्ग है मेरठ शहर का, और इसकी वजह से ही सबको बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण है। अच्छा, आपने जब ये कि बोर्ड लगाया है ट्रिपल इंजन का, इसका क्या मतलब है? ट्रिपल इंजन से मतलब सरकार का है जी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि भाई आप इसके लिए सोचे और करें, क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही, तो इसी माध्यम से आपके थ्रू मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और कार्य हो। अच्छा, आपके पास हर चीज का प्रूफ है जो भी आपने किया है? आप बता रहे हैं कि आपने मेयर से भी बात की है, विधायक, हमारे पास जो है सब सोशल मीडिया के थ्रू हमने प्रूफ उनको मैसेज डाले हैं। अच्छा, मेयर साहब तो खुद ही यहाँ के फोटो खिंचवा के गए हैं। अच्छा, मैंने तो सड़क का नाम ही मौत की सड़क रख दिया। अच्छा, और क्या, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ जो आपने उसको मौत की सड़क का नाम दे दिया? सड़क है ही ऐसी, हो जाएगी। देखो ना हालत, तो देखो क्या है। अच्छा अच्छा, आप कभी नहीं देखा, मतलब इस गवर्नमेंट में ऐसी हालत हो रही है, इससे तो पहली गवर्नमेंट में ऐसी हालत कभी नहीं देखी हमने।
जो इस गवर्नमेंट में सिकंजी का ठेला लगाता हूँ, चार दफे ठेला पलट गया है सड़क पे। अच्छा। इतनी गंदी सड़क हो रही है, सारे इतने गड्ढे हो रहे हैं, यूं ही पलट जाता है। और ये रेलवे रोड है, मेरठ की लाइफ लाइन है एक तरह से। जी ये हालत होगी तो बताओ क्या होगा। दुकानदारों का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा। अच्छा, आप यहीं पर हैं? हाँ, मेरी दुकान यहीं पे है, सामने दुकान है मेरी। अच्छा। पूरा दिन यहाँ धूल ऐसी रहती है, कोहरा, दिसंबर जनवरी में कोहरा होता है, सारा सामान दुकान का खराब हो रहा है, ग्राहक की खत्म हुई पड़ी है इस समय चक्कर में, पब्लिक आ रही है और तबीयत खराब हो रही है। मैम, यहाँ पर बच्चों का निकलना मुश्किल है, जो छोटे बच्चे स्कूटी चलाते हैं या कुछ भी है, वो गिर गया खुदा ना खास्ता, जैसे वो चला रहे हैं, कोई गिर गया तो एडमिट ही होगा वो सीधा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रोड ही भजपुरी गिरा हुआ है सब कुछ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गड्ढे इतने लंबे लंबे हो रखे हैं कि कौन सुनवाई करेगा उसके। इनको फीता काटना है, उद्घाटन करने हैं, वो छोड़ के वापस इस पर ध्यान दे, जो ना जो कार्य करने हैं, जो मेन उनके मुद्दे हैं, सफाई है, ये सफाई अभियान है, क्या सफाई अभियान है, सालों की सफाई नहीं है और उसी वजह से ये सड़क टूटती जा रही है, सड़क के टूटने की वजह से ही रोज एक्सीडेंट है जी। सभी को दिक्कत है, धूल मिट्टी और कुछ नहीं है, गड्ढे, इसके अलावा इस हर आदमी इनसिक्योर्ड है यहाँ पर जो है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरठ भाजपा कोई साजिश रच रही है 2024 के चुनाव के लिए, मोदी जी को, चीफ मिनिस्टर साहब को, सभी को ट्विटर के माध्यम से भी हम लोगों ने सूचित किया है। आपने एक बात कही कि साजिश रच रही है, तो मतलब सड़कें ना बनाने से ऐसी कौन सी जनता को परेशान करके, जनता को त्रस्त करके, ताकि वो भाजपा का वोट ना दें 2024 में, मोदी जी के रथ को रोकने की कोई साजिश है निश्चित रूप से, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, तो मोदी जी खुद चाह रहे हैं कि उनके रथ को, मोदी जी नहीं चाह रहे, मोदी जी के जो नीचे के लोग हैं, यहाँ 3 इंजन की सरकार चल रही है, पहला इंजन दिल्ली में बैठा बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज तक कोई सरकार नहीं आई दिल्ली में, दूसरा इंजन उत्तर प्रदेश में, तीसरा इंजन मेरठ में, दूसरा नंबर का इंजन, तीसरा नंबर का इंजन, दोनों सुपर फ्लॉप है, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का, कोई सुनने को तैयार नहीं है, जनता त्रस्त है, क्या यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा जाए, रास्ता रोका जाए, ईंट पत्थर चलाया जाए, तब गवर्नमेंट जागेगी, गवर्नमेंट चाहती क्या है आखिर, ये बताएं कृपया करके। दूसरा और तीसरा इंजन ही बेकार है, पहला इंजन आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा इंजन नहीं आया जैसा इंजन पहला चल रहा है 9 साल से। अच्छा। हम उम्मीद करते थे कि शायद हमारा दूसरा इंजन भी ऐसा ही होगा, परंतु वो पूर्ण रूप से विफल रहा है, विफल रहा है, विफल रहा है। आपके हिसाब से पहला इंजन यानी पीएम मोदी, बिल्कुल उनके जैसा कोई नहीं आया, उनके जैसा कोई नहीं है, और उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम को लेकर के वोटें मांगी जाती है, और आज जो हम देख रहे हैं हालात आप सबके सामने है, किसे छुपा नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। firstbite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।